समुद्र से एक जहाज का अवशेष मिला है। खास बात यह है कि जहाज के मलबे से पूरी तरह से संरक्षित कई प्राचीन घड़े भी मिले हैं। इन घड़ों में से करीब 1300 साल पुराना सामान मिला है। यह जहाज इजराइल के तट के पास से मिला है। दुनिया में अक्सर इतिहासकार पुरानी चीजों के बारे में कयास लगाते रहते हैं। खोजकर्ताओं ने कहा है कि अलग अलग मेडिटेरियन इलाकों के सामानों से जहाज भरा हुआ था। यह जहाज इस बात के सबूत हैं कि 7वीं सदी में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना के बाद भी पश्चिमी देशों से लोग व्यापार के लिए इस जगह पर आते रहते थे। जहाज के डूबने के स्पष्ट कारणों के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। व्यापारियों से भरा यह जहाज मौजूदा इजरायली कोस्टल कम्युनिटी मागन माइकल से मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह जहाज उस समय का है जब पूर्वी मेडिटेरियन इलाकों से क्रिश्चियन बीजांटिन साम्राज्य सिमटता जा रहा था और इन इलाकों में इस्लामिक शासकों की पकड़ मजबूत हो रही थी। समुद्री पुरातत्वविद देबोरा सिविकेल ने बताया, यह जहाज 7वीं या 8वीं शताब्दी की होगी। इस बात के सबूत हैं कि धार्मिक बंटवारे के बावजूद तब इस मेडिटेरियन इलाके में व्यापार जारी था। देबोरा ने कहा, इतिहास की किताबों में आमतौर पर बताया जाता है कि इस्लामिक शासन के विस्तार के बाद इन इलाकों में व्यापार ठप पड़ गया था। मेडिटेरियन में तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। हमारे पास एक बड़े जहाज का मलबा है। हमें लगता है कि यह जहाज असल में 25 मीटर लंबा होगा। जहाज के पास से मिले कलाकृतियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जहाज मिस्र के साइप्रस से यहाँ आया होगा या फिर तुर्की का हो सकता है। वह उत्तर अफ्रीकी तट से यहाँ पहुँचा हो। इजरायली तट सदियों से डूबते आ रहे जहाजों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ मौजूद मलबों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आसान है क्योंकि इस इलाके में पानी का स्तर कम होता है और रेतीले सतह की वजह से कलाकृतियाँ सुरक्षित रह जाती हैं। मौजूदा खोज की बात करें तो खोजकर्ताओं को 200 घड़े मिले हैं। इनमें मेडिटेरियन इलाकों के खाने के सामान जैसे मछली की चटनी और अलग अलग तरह के जैतून, खजूर और अंजीर मिले हैं। मलबे से रस्सियाँ और पर्सनल आइटम्स जैसे कंघी, यहाँ तक कि कुछ जानवरों के भी अवशेष मिले। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे जानकारी वाले वीडियो लाते रहते हैं।